और गाना चलाएंगे तुझ बेवफा के सामने, तेरे घर के, तेरे बेवफा के घर के सामने अपना घर बनाएंगे और नई नई गाड़ी खड़ी कर करके नई गाड़ी खड़ी करके रखेंगे, ठीक है। और रोज गुलाम हैदर की लाइफ तो वैसे भी इसने खराब कर दी, गुलाम हैदर के पास तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। आज वो पूरी दुनिया के सामने जलील हो रहा है, उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो वो वहां रहेगा, रोज बच्चे आएंगे अपने बाप के पास, रोज मिलेंगे, वही रहेंगे, कोर्ट की परमिशन कराऊंगा, बच्चे भी इसके पास रहेंगे, फिर दुनिया देखना कि दुनिया ताली बजाएगी कि हाँ वाकई कोई काम, कोई बैठा वकील, आ ना तू हमारा मुकाबला कर, तू कीचड़ उछाला हम पे। घर में सामने, घर के सामने। अब आज तारीख हो गई है 18-19 जो भी, तो बिल्कुल टाइम नजदीक है 27 तारीख। अब ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से कोर्ट में जा ना जा पाए, और गुलाम हैदर को जो वीजा मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का मिल जाएगा, महीने का मिल जाएगा, ये एक डेट और आगे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो है अगले महीने से कोर्ट की एक महीने की छुट्टियां भी पड़ रही है, अगस्त में आ रही है, बिल्कुल। हाँ, तो अब अगर जो नेक्स्ट डेट लगेगी वो अगस्त में या नवंबर में जाके लगेगी, तो इनके जहन में ये है कि जितना हम नोटिस ना लें और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है निकालें, उतना ज्यादा से ज्यादा सीमा जो है वो कोर्ट में रहेगी। तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हमने भी पूरी प्लानिंग की हुई है, हमने कैसे गुलाम हैदर को लाना है, कैसे गुलाम हैदर आएगा, कहाँ पे वो रहेगा, क्या उसकी सेफ्टी का इंतजाम होगा, क्या उसके खाने पीने का इंतजाम होगा, कौन कौन से केसेस में उसकी एविडेंस होगी, कौन कौन से केसेस हमने क्या करना है, वो हमने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। और हमने उसके दूसरे पहलू पर भी नजर डाली है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, अगर ये ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे, और हमने वक्ती तौर पर भी अगर अपने प्लानिंग को चेंज करना पड़ा तो हमने उस नेक्स्ट प्लानिंग को भी रखा हुआ है। लेकिन हमारा कोई भी कदम गैर कानूनी नहीं होगा, हमारा कोई भी कदम ऐसा नहीं होगा जो भारत सरकार की किसी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करता हो। हम कानून के मुताबिक भारत सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए, उनकी गाइडलाइन को मानते हुए, जो भारत का कानून है, भारत का संविधान है, उसको मानते हुए, उसी के अकॉर्डिंग, एज पर लॉ, एज पर डू कोर्स ऑफ लॉ, हम अपनी बात को हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, चाहे वो ऑनरेबल कोर्ट हो या किसी सरकारी डिपार्टमेंट हो या सरकार का कोई अधिकारी हो या हमारी भारत सरकार के कोई पॉलिटिशियन लोग हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हमने अपने ग्रीवेंस को रखना है तो हमने उसकी पूरी तैयारी करके रखी हुई है, किसी भी रूप से नहीं। आज गुलाम हैदर की जो फाइल है, कम से कम वो 2,500 पन्नों की फाइल बन चुकी है, अलग अलग केसेस का, और 2,500 पन्ने वो मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं, जो जो मुझे बताया उसको कानूनी रूप मैंने दिया है। आप देखेंगे 2,500 पन्नों का केस टोटल मिलाकर के आज के टाइम में गुलाम हैदर का स्ट्रॉन्ग हर लेवल पे हो चुका है। तो आप देखेंगे कि हमने किस जोरों शोरों से अपनी लीगल तैयारी को रखा है, और हम इसको इंसानियत की लड़ाई है, हमें मेरे पे कोई किचड़ उछाले, कुछ मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, ना हम झुके हैं, ना हम बिके हैं, और ना ही हमने अपने ईमान को बेचा, और ना ही हम डरे हैं। इंसानियत के लिए खड़े हैं, इंसानियत के लिए खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे, इसलिए नहीं कि गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी है, नहीं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते, एक इंसान ने जिसने भारत के लोगों को पुकारा है, जिसने भारत की सरकार को पुकारा है, जिसने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुकारा है, जिसने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुकारा है, जिसने भारत की सरकार को पुकारा है, और जिसने भारत के लोगों से, भारत की माओं से, बहनों से, बेटियों से, भारत के वकीलों से, भारत की अदालतों से, भारत के सारे डिपार्टमेंट से, जिस इंसान ने मदद मांगी है इंसानियत के नाते, और भारतीय वकील मोमिन मलिक से मदद मांगी है, तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। और ये मदद अंसार बरनी ट्रस्ट से जो मांगी है, हम अंसार बरनी ट्रस्ट
का बड़ा एहतराम करते हैं, मैं खुद उनका एहतराम करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने जो मुझे कहा है, एक इंसानियत का काम उन्होंने जो हमें कहा है हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वो भारतीय कैदियों को रिहा कराने में उनका पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम सलूट करते हैं और जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस काम को हम करके रहेंगे, इंसानियत के काम को होगा, सीमा चाहे जैसे मर्जी बयान दे, सीमा हमारी सरकार को गुमराह करने की कोशिश करे, नए नए स्क्रिप्ट उसको लिख के दिए जाए, वो जो मर्जी करे, भारत की जनता सीमा को जान चुकी है, दुनिया की जनता वो जेड बोडली को जान चुकी है, और दुनिया जो है उसको समझ चुकी है कि ये क्या चीज है। दुनिया गुलाम हैदर की मजबूरी को भी जान चुकी है, गुलाम हैदर की जो वो एक बेचारा इंतहा एक शरीफ आदमी है उसकी सराफत को भी जान चुकी है, और गुलाम हैदर की सराफत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। वो इंसान बड़ा शरीफ इंसान है, एक नेक इंसान है और दिल का साफ है, वो इंसान दिल का साफ है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब किसी को हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि जनाब गुलाम हैदर ये है या सीमा या जेड बोडली ये, नहीं, दुनिया के कमेंट्स जो करती है दुनिया, हमारे भारत के लोग, दुनिया के लोग, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी क्या वैल्यू है। तो अब ये लाइव में आए, वीडियो बनाए, ब्लेम लगाए ना लगाए, हमारे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारा स्टेटस भी नहीं है कि अब इनको हम जवाब दें, क्योंकि इनका लेवल जो है वो काफी गिर चुका है और दुनिया ही इनको जवाब देगी, देश के लोग ही हमारे जवाब देंगे, और इनका कोई भी छला जो ये टास्क लेके आई है ना, जो ये टास्क लेके आई है, जो अपने देश को ज्यादा से ज्यादा गाली देना, अपने देश के लोगों को गाली देना, अपने देश के लोगों को गंदा बोलना, और भारत के बारे में बाहर रहते हुए अपने मुल्क के और वहां के लोगों की बुराई करना, ये इसका टास्क है, ये इसका बहुत बड़ा टास्क है, ताकि ये सेफ रह सके। इसके दिल में चोर है और जुबान पे कुछ और है, उसको भारत की जनता समझ रही है, भारत की सरकार समझ रही है, और सारा जो कुछ है वो दिखावा है, और दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और है। इसकी कुछ चैट पकड़ी गई है और इसकी कुछ वीडियो सामने आई है जो ये करती थी, इसके कुछ इनपुट्स मुझे नेपाल से मिले हैं, 2019 के इनपुट्स एक आई विटनेस के तौर पे मुझे नेपाल से प्राप्त हुए हैं, वो मैं भारत सरकार को देने जा रहा हूं, और इसके बारे में कल या परसों को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि नेपाल से इसके बारे में ताजा इनपुट क्या है, पाकिस्तान से जो नए ताजा इनपुट्स आए हैं वो नए ताजा इनपुट्स क्या है। दुनिया की आंख खुली की खुली रह जाएगी जब पता चलेगा कि हैदर को कहां भेज रखा था और उसके बाद ये क्या कर रही थी, वो सारे इनपुट्स दुनिया के सामने आएंगे, कल या परसों तक वो आपके सामने आ जाएंगे, चिंता मत करो।